वेलकम टू साइंस इज सॉल्यूशन। आई एम मंजू शर्मा। अपने नीट के प्रेपरेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स के प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस जो कि नीट एग्जाम्स में आ चुके हैं, दैट इज फ्रॉम 2016 टू 2020। ये जो है टॉपिक, इट बिलोंग्स टू चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने के कारण हमने इसे 4 भागों में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन वाज टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड ऑल्सो द 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। द सेकेंड पार्ट वॉज लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। इन दोनों के वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। इफ यू हैव मिस्ड दोज वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Today's video is on genetic disorders. The fourth video, ABO blood grouping, ये भी बहुत ज्यादा important है। तो आने वाले सारे videos जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा important होने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे channel को subscribe कीजिए ताकि कोई भी video आपसे miss ना हो, क्योंकि ये जो videos हैं आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे आने वाले exams में appear करने के लिए। So let's start with today's questions. Question number 1. Which of the following most appropriately describes hemophilia? Number 1. Dominant gene disorder. Number 2. Recessive gene disorder. Number 3. X-linked recessive gene disorder. Number 4. Chromosome disorder. So hemophilia, its gene, it is located in X chromosome of the sex chromosome. So it is X-linked recessive gene disorder. So the third option will be the correct answer. Now, दूसरा question शुरू करने से पहले students आपको ये बता दें कि इस video को last तक जरूर देखिएगा, because last में हम आपको बताएंगे वो diseases जिसके बारे में, वो disorders, genetic disorders जिनके बारे में आपको thoroughly पढ़ना है. So question number 2. Pick out the correct statements. Number A, hemophilia is a sex-linked recessive disease. Number 2, Down syndrome is due to aneuploidy. Number C, phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder. And number D, sickle cell anemia is an X-linked recessive gene disorder. So, आपको correct statements बताने हैं. You can see option number A, that is hemophilia is a sex-linked recessive disease. It is correct. Option number B, Down syndrome is due to aneuploidy. Yes, Down syndrome is due to 21 trisomy, 21st chromosome. जो XX होना चाहिए वो XXX, ट्रिपल X ट्राइसोमी होता है, सो इसके लिए डाउन सिंड्रोम है। इट इज ऑल्सो करेक्ट। नंबर से, फिनाइलकेटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बट ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। सो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी आर करेक्ट, और इन तीनों को करेक्ट बताता हुआ ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज, ऑप्शन नंबर 1 क्लेइनफेल्टर सिंड्रोम, नंबर 2 टर्नर सिंड्रोम, नंबर 3 सिकल सेल एनीमिया एंड नंबर 4 डाउन्स सिंड्रोम। सो ऑटोसोमल क्रोमोसोम से जो रिलेटेड है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। यू कैन सी अदर ऑप्शंस, जो टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेइनफेल्टर सिंड्रोम है, दीज आर रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड सिकल सेल एनीमिया इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। So Down syndrome, option number 4 will be the correct answer. Option number 4 में जाने से पहले अगर आपको लगता है कि इन videos से आपकी मदद होगी आने वाले exams में बैठने के लिए, तो आप इसे जरूर like करें। और अगर आपको लगता है कि किसी और, आपके friend या students, किसी और की मदद होने वाली है, तो उसके साथ share जरूर करें। So, question number 4, ये question आया था 2019 में। What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development gynecomastia and is sterile? Option number 1, Turner syndrome. Number 2, Klinefelter syndrome. Number 3, Edwards syndrome. And number 4, Down syndrome. So you can see here, overall masculine development, he is a gents, and gynecomastia is there, means development of breasts is there, and still it is, he is sterile. So XXY chromosomal disorder is present. So it is Klinefelter syndrome. Option number 2 will be the correct answer. Now question number 5, ये question आया था 2020 में। Select the correct match. Option number 1, hemophilia Y linked. Number 2, phenylketonuria autosomal dominant trait. Number 3, sickle cell anemia autosomal recessive trait, chromosome number 11. And number 4, thalassemia X linked. तो आपको correct match चुनना है। तो hemophilia it is not Y linked, it is X linked. Phenylketonuria is autosomal dominant trait? No, it is autosomal recessive trait.
ऑप्शन नंबर 3 दैट इज सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट इन क्रोमोसोम नंबर 11 दैट मींस द म्यूटेशन इज देयर ऑन द जीन व्हिच इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम नंबर 11 सो ऑप्शन नंबर सी विल बी 3 विल बी द करेक्ट आंसर थैलेसीमिया इज एक्स लिंक्ड रॉन्ग इट इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में जो कि पूछा गया था 2016 में इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज नंबर 1 0 नंबर 2 0.5 नंबर 3 0.75 नंबर 4 1 अब इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है मैन इज कलर ब्लाइंड दैट मींस वी विल रिप्रेजेंट द एक्स क्रोमोसोम इन द सेक्स क्रोमोसोम देयर आर एक्स एंड वाई X chromosome has a color blind disorder. So it is XC. We will represent it with XC. And female is homozygous for normal color vision. So female is XX. Normal X chromosomes are present. अब इसमें जो है probability of their son being color blind पूछा गया है. अब देखिए जो male के chromosomes है 50% X chromosome he passes on to for a female child for his daughter and Y chromosome he passes for his son. So Y chromosome में तो color blind था ही नहीं so he passes normal Y chromosome for the son. So probability is 0%. So option number 1 will be the correct answer. ये question थोड़ा tricky है आप जरा ध्यान से अपेयर कीजिएगा. Now ये रहे हमारे आज के genetic disorders related previous years questions. अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही questions आप बार बार देखें तो हमारे channel को जरूर subscribe कीजिए. अब जाने से पहले हम बता देते हैं वो डिजीज जिनके बारे में आपको थॉरली पढ़ना है ये जो टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर देयर वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स सेकंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उनमें हीमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया फिनाइलकेटोन्यूरिया ये डिसऑर्डर्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ऑल्सो कलर ब्लाइंडनेस दैट द म्यूटेशन इन जीन प्रेजेंट इन द सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ये आपको ध्यान से पढ़ना है एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में डाउन सिंड्रोम क्लेइनफेल्टर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम ये आपको ध्यान से पढ़ना है सो ध्यान से अपना प्रिपरेशन कीजिए थैंक यू